नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं लाल किताब के 15 जबरदस्त टोटके। ये ऐसे टोटके हैं जो आपके बहुत काम आ सकते हैं। इनमें आपकी हर समस्या का समाधान मिल सकता है। इन वीडियो को ध्यान से देखें, ध्यान से सुने। अगर कुछ नहीं समय लगता है तो आप हमसे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। अगर इसके अलावा आपने कुछ पूछना हो तो उसके लिए आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ बतानी होगी, और साथ में ही अपना क्वेश्चन आप डिटेल में पूछेंगे तो हम आपका क्वेश्चन का जवाब आसानी से दे पाएंगे। साथ में ही अगर आप इसको लाइक करते हैं तो हमें बहुत खुशी होगी। अगर आप इस वीडियो को लाइक करने के बाद शेयर करेंगे तो हमें और भी अच्छा लगेगा। तो इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, आपके लिए और एक बात, जो भी आप हमें कमेंट्स के थ्रू पूछते हैं हम उस पर नई वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि आपके पूछे हुए क्वेश्चन आपको वीडियो के रूप में ही मिल जाएं। ये भी वीडियो आपके द्वारा पूछे गए क्वेश्चनों पर ही बनाई गई है, इसे ध्यान से सुने तो आपके बहुत से क्वेश्चन का जवाब आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन था धन को लेकर। तो हम आपको बता दें, हमारे ग्रंथों में भी लिखा है और लाल किताब में लिखा है, सुबह 4 से 6 बजे तक का समय माँ लक्ष्मी नारायण का होता है। अगर आप इस समय माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, जो कि नारायण के साथ इस धरती पर आते हैं, तो आपके लिए यह बहुत अच्छी पूजा होगी। तो आपको इससे बहुत अच्छे फल मिलेंगे और धन की कभी कमी नहीं रहेगी। तो दोस्तों, हमारे ग्रंथों में लिखा है कि दान करने के भी अपने नियम होते हैं। अगर आप कोई भी दान घर के मेन गेट के अंदर खड़े होकर करते हैं तो आपके लिए वो दान बहुत ही शुभ फल देने वाला होगा। तो आज के बाद जब भी कोई आपके घर में कुछ मांगने आए तो उसको आप दान देते हैं, तो आप अपने घर के अंदर खड़े होंगे, मेन गेट के अंदर खड़े होंगे, तो आपका दिया हुआ दान आपको अच्छे फल देकर जाएगा। तो दोस्तों, आप अपने घर में पूजा भी करते होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पूजा से आपको धन का लाभ मिले, संतान सुखी हो और आपको सुख शांति मिले, तो उसके लिए एक बात याद रखना, आप अपने घर की जोत में रुई का प्रयोग करते होंगे। अगर आप इस रुई की जगह पर मोली का प्रयोग करना शुरू कर देंगे तो आपको इसके बहुत ही अच्छे फल देखने को मिलेंगे। आपकी की गई पूजा आपको अच्छे फल देगी। तो आज के बाद याद रखें, रुई की जगह मोली का इस्तेमाल करें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। अक्सर देखा जाता है कि घर में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े होते हैं और धीरे धीरे वो छोटे छोटे लड़ाई झगड़े बड़ी लड़ाई झगड़ों में बदल जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि घर में लड़ाई झगड़े ना हो, मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, तो आपको चाहिए जब भी घर की सफाई हो तो पोचा जो हो वो नमक के पानी से लगाएं। मतलब कि पोचे वाले पानी में अगर आप नमक डालना शुरू कर देते हैं और उस पानी से पोचा लगाते हैं तो आपको इस समस्या का समाधान मिल जाएगा, आपके घर में लड़ाई झगड़े होने बंद हो जाएंगे। तो दोस्तों, आजकल अक्सर देखा जाता है कि लोग आपसे पैसे लेते हैं और वापस नहीं करते, और कई बार तो ये पैसे हमने अपने रिलेशन में दिए होते हैं तो हमको डर भी होता है, अगर हम ज्यादा प्रेशर डालेंगे तो आपकी रिश्तेदारी भी खराब होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके दिए गए उधार के पैसे आपको वापस मिल जाएं और आपकी रिश्तेदारी भी बनी रहे, तो उसके लिए आपने करना क्या है, एक नारियल लेना है, नारियल का पूरा पानी बाहर निकाल देना है और उसको अब शक्कर से भर देना है। फिर उस नारियल को आपने किसी भी पीपल के नीचे दबा आना है। अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपके दिए हुए पैसे आपको वापस मिल जाएंगे और आपके रिलेशन भी अच्छे बने रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी धन की कमी ना हो, आपके घर में धन हमेशा के लिए अच्छे तरह से आता रहे, तो उसके लिए जब भी आपके घर में कोई पहला लड़का पैदा होता है तो उसका जो पहला दांत टूट जाए तो उसको नीचे मत गिरने दें। उस दांत को संभाल कर रखें, चांदी की डिबिया में
अगर आप ये कर लेते हैं तो जब तक आपके पास वो दांत रहेगा आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं आएगी और धन को लेकर कभी कोई समस्या नहीं पैदा होगी। तो दोस्तों, जो पूर्णिमा का दिन होता है उस दिन सुबह सुबह सूर्य निकलने से पहले माँ लक्ष्मी पीपल पर वास करती है। अगर आप सूर्य निकलने से पहले पहले पीपल की पूजा कर आते हैं, पीपल को जल दे आते हैं, तो इससे माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है, तो जिंदगी में कभी भी धन की कमी नहीं आएगी। ये हर महीने आप उपाय कर सकते हैं, क्योंकि हर महीने में एक पूर्णिमा का दिन आता है। ये उपाय आसान सा उपाय है, इसे आपको याद रखना चाहिए और पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी के साथ साथ पीपल की पूजा कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों, देखा जाता है लोगों को शादी को लेकर बहुत ही चिंता रहती है। कुछ लोगों की उम्र हो जाती है, शादी नहीं होती है, वो तरह तरह के उपाय करते हैं लेकिन फिर भी शादी नहीं होती है। तो आपको करना क्या है कि केसर जो होता है उसको नहाने से पहले पानी में मिला दें। थोड़ा सा केसर मिलाने के बाद जो पानी होगा उसको आपने अपने शरीर पर डालना है, मतलब कि केसर वाले पानी से आपने नहाना है। अगर आप ये करना शुरू कर देते हैं उपाय, तो इससे आपका शादी का जो किसी तरह का भी रुकावट का योग बनता था वो खत्म हो जाएगा और आपकी शादी जल्दी हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी कोई बीमारी ना आए, कोई भी किसी तरह की नज़र ना लगा सके और आपके घर में सुख शांति बनी रहे, तो जब भी घर की सफाई हो और मेन गेट की सफाई होने लगे तो मेन गेट के सामने वाली जगह जिसे हम दहलीज बोलते हैं उसको साफ पानी से धोना शुरू कर दें। अगर आप ये काम कर देते हैं तो आपके घर में बीमारी नहीं आएगी और घर में सुख शांति बनी रहेगी। ये एक और उपाय है जो लड़का भी कर सकता है और लड़की भी कर सकती है। जिनकी शादी नहीं हो रही है उनको चाहिए बृहस्पति के दिन आटे के दो पेड़े बनाएं, एक पेड़े में हल्दी डाल लें और दूसरे पेड़े में चने की दाल डाल लें। ये दोनों पेड़े गाय को खिला दें। ये एक ऐसा उपाय है जिसके बहुत जल्दी जल्दी रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसे करने से आपकी तुरंत शादी हो जाएगी, जितनी भी शादी में प्रॉब्लम आ रही थी वो दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस अच्छे से चलता रहे, बिजनेस में अच्छे से धन आता रहे, धन की कोई कमी ना हो और किसी तरह की रुकावट ना आए, मतलब कि बिजनेस में मंदी ना आए, तो आपने करना क्या है, जब भी बिजनेस के लिए घर से निकले तो दो केसर की पत्तियां लें, एक एक पत्ती को अपने दोनों हाथ की हथेली पर रगड़ लें, मसल लें। तो ऐसा करने के बाद जब भी आप घर से बाहर जाएंगे बिजनेस के लिए तो आपका बिजनेस अच्छे से चलता रहेगा, कभी बिजनेस में मंदी नहीं आएगी और आपकी इनकम भी रेगुलर होती रहेगी। तो दोस्तों, आजकल लेडीज को प्रॉब्लम आती है कि बच्चा मिसकैरेज हो जाता है। अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम है या आपके जान पहचान वाले को ये प्रॉब्लम है तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा उपाय है। आपने करना क्या है, लाल धागा लेना है, उससे अपने अंगूठों को बांध लेना है, लेकिन ये काम आपने सूर्य उदय से पहले करना है और साथ में ही जितना हो सके गायत्री मंत्र का पाठ करें। अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो उसके बाद कभी भी गर्भपात नहीं होगा, मतलब कि मिसकैरेज नहीं होगा। ये बहुत अच्छा उपाय है, इसे आपको जरूर करना चाहिए। आजकल अक्सर देखा जाता है पति पत्नी के संबंध अच्छे नहीं होते हैं, उसका कारण मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। अगर आपको भी लगता है कि आपको ऐसी किसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है तो आपको चाहिए अपने बेडरूम में कपूर की टिकिया जला लें, जो भी राख होगी उसको बाहर फेंक दे। ऐसा करने से ही आपकी और आपके पति या पत्नी की मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाएगी और आपका पहले जैसा प्यार बना रहेगा। तो दोस्तों, ये भी देखा जाता है कई बार कोई आदमी हॉस्पिटल में पड़ा होता है या आपका कोई मरीज हॉस्पिटल में हो तो उसको होश नहीं आ रही होती या किसी तरह की दवा काम नहीं कर रही होती, मतलब कि मरीज ठीक नहीं हो रहा होता।
अगर आपको लगता है कि आपका भी कोई ऐसा मरीज है तो आपने कुछ सिक्के लेने हैं, वो 1 रुपए वाले हो, चाहे 2 वाले, चाहे 5 वाले, उसको मरीज के सिरहाने रख देना है और उसके बाद एक एक करके ये सिक्का जमादार को देना शुरू कर देना है। जैसे ही आप देना शुरू करेंगे तो आपके मरीज में इम्प्रूवमेंट होनी शुरू हो जाएगी, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर उसको होश नहीं आ रही है तो उसको होश आ जाएगी। ये बहुत अच्छा उपाय है, इसे आपको जरूर करना चाहिए। बहुत बार देखा जाता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको दूध नहीं पचता है, तो उसके लिए यह बहुत अच्छा उपाय है। जब शनिवार का दिन हो तो जो बच्चा जिसे आप दूध पिलाते हैं वो दूध बीच में छोड़ दे, तो उसका जो जूठा दूध होगा उसको आप कुत्ते को पिला दे। अगर आप ये कर लेते हैं तो इसके बाद बच्चे को दूध पचना शुरू हो जाएगा, वो कभी भी दूध बीच में नहीं छोड़ेगा। तो ये भी बहुत अच्छा उपाय है, इसे भी आपको जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे लाल किताब के टोटके, जो बहुत ही अच्छे तरह से हमें फल देते हैं। और जो ये समस्या हमने बताई है, ये आपकी कॉमन समस्या है, आम घरों में ये समस्या देखी जाती होगी। आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए और इससे लाभ लेना चाहिए। जिस तरह से हम आपके हर कमेंट्स का जवाब देते हैं, आपको भी चाहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करें। साथ में ही जितना आप इसको शेयर करेंगे, लोग इसका उतना ही फायदा ले सकेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।